हिरोन ड्रोन की निगाहों से दुश्मन का बचना मुश्किल। दुश्मन को जमीन के ऊपर और पानी में भी नहीं छोड़ेगा हिरोन ड्रोन। अंधेरे में भी इसके थर्मल सेंसर कैमरे से छिपना संभव नहीं। ड्रोन अब स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों से होगा लैस। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हिरोन ड्रोन के पैनी निगाहों से दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुश्मन चाहे जमीन के ऊपर हो या फिर पानी की गहराई में हो, हवा में उड़ता हो कोई फाइटर क्राफ्ट हो या फिर पानी के भीतर मौजूद पनडुब्बी हो, दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में हो, इसके थर्मल सेंसर कैमरे से छिप पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। भारतीय वायुसेना ने हिरोन ड्रोन को अब और भी घातक और खतरनाक बनाने का फैसला किया है। इजराइल से पिछले साल मंगाए गए ड्रोन अब आत्मनिर्भर भारत की ताकत से लैस होंगे। यानी इन इजरायली ड्रोन को अब स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों से लैस किया जाएगा। अब तक ये ड्रोन आसमान से दुश्मन की निगरानी करते थे, लेकिन अब अपग्रेड होने के बाद ये ड्रोन दुश्मन पर हमला भी कर सकेंगे। भारतीय वायु सेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इन इजरायली ड्रोन को स्ट्राइक यानी कि हमले के लिए तैयार करेंगी। इन ड्रोन को मिसाइलों से लैस करा जाएगा, सर्विलांस यंत्रों और क्षमताओं से ताकतवर बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना इजरायली ड्रोन की तीनों सेनाओं के लिए तैयार करेगी, यानी जल, जमीन और आसमान तीनों जगह ड्रोन भारत की रक्षा और निगरानी में तैनात होगा। भारत ने पिछले साल 4 हिरोन ड्रोन इजराइल से खरीदे थे। इन चारों ड्रोन को सेना ने चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए 2021 में लद्दाख में तैनात किया था। भारतीय सेना में मौजूद सभी ड्रोन्स की तुलना में इसकी ताकत, क्षमता, रफ्तार सब कुछ बेहतर है। ये ड्रोन जमीन से 35,000 फीट यानी कि करीब 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसमान से उड़ान भरता है। एक बार में ये 52 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसे नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें कई तरह के सेंसर्स और कैमरे हैं, जैसे कि थर्मोग्राफिक कैमरा जो कि रात में या अंधेरे में देखने में कारगर होता है। इसके साथ साथ विजिबल लाइट एयर बर्नर ग्राउंड सर्विलांस जो 2 दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है। साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ साथ कई तरह के रडार सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन किसी भी तरह से जैमर से काबू नहीं किया जा सकेगा, यानी इसमें एंटी जैमिंग तकनीक भी लगी है जो पहले के ड्रोन की क्षमता से ज्यादा दमदार है। ड्रोन की एक और खासियत यह भी है कि ये आसमान से ही टारगेट के लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन ट्रैक कर लेता है, यानी सीमा के पास से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। ड्रोन की ये सारी खूबियां निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अब इसे लेजर बम और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस कर अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।